Hi everyone, I hope you all are doing great. Welcome to Unacademy. I'm Yashu Sindhwani and I'm back with a new lesson, which is a continuation of the previous lessons. In this, I'm dealing with the words, with the pronunciation of the words, okay? So let's get started. Okay, the first one we have albeit, okay? This is not albeit, this is albeit, okay? It means although. Okay, let's take an example. He was making progress, albeit rather slowly. Okay, वो progress कर रहा था, but उसकी progress कैसे हो रही थी? धीरे-धीरे हो रही थी, you know? आराम-आराम से हो रही थी, gradually. ठीक है? Okay, the next one we have valet. ठीक है? In this word, T is silent, so we will pronounce it as valet. Okay? Okay, the next is draft. It is not drought. It is draft. इसका meaning होता है सूखा पड़ जाना, ठीक है? जैसे कई जगहों पे जैसे sufficient rainfall नहीं होती है, तो वहाँ क्या पड़ जाता है? Draft पड़ जाता है, ठीक है? You know, सूखा पड़ जाता है उस जगह पे. So that's the meaning of draft. Okay, the next one is deja vu. अच्छा, deja vu का meaning होता है suppose आप कहीं गए हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ या फिर ये जगह मैंने पहले भी एक्सपीरियंस या फिर देख रखी है, यू नो, काफ़ी बार होता है ऐसा हमारे साथ, तो वो जो फीलिंग होती है तो उसे कहते हैं हम डेजा वू. फाइन. ओके, द नेक्स्ट इज क्वायर. ठीक है, दिस इज़ नॉट श्योर और जो भी आप बोलते हो, दिस इज़ क्वेयर. ओके, इसे चोर प्रोनाउंस नहीं करना है. ओके, दिस इज़ क्वेयर. ओके, इसका मीनिंग होता है एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स. फाइन. ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव क्विंट एसेंशियल. ओके, क्विंट एसेंशियल, इट मीन्स रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ क्वालिटी. जैसे किसका एग्जांपल दूँ? अच्छा, इसमें नूडल्स का एग्जांपल लो, तो आपको सबसे परफेक्ट एग्जांपल कौन सा लगेगा? मैगी, है ना? तो क्विंट एसेंशियल का मीनिंग भी यही होता है, टू रिप्रेजेंट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी. ओके, दिस इज डेजा वू, क्वेयर एंड क्विंट एसेंशियल. ओके, लेट्स मूव फर्दर. वी हैव जोवियल. अच्छा, इसे क्या प्रोनाउंस करना है? जोवियल. ओके, जस्ट ट्राई टू लिंक दिस वर्ड विद द स्प्लिट वर्ड्स. ओके, ये है जोवियल, इसका मीनिंग होता है मैरी, चेयरफुल और हैप्पी. ठीक है, इसे कहते हैं हम. ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव क्वाफ. ठीक है, क्वाफ. अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? चलो आप सोचो एक बार ही, फिर मैं बताऊंगी. ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव कोटरी. ठीक है, दिस इज कोटरी. इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु आर अटेंडेड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. अच्छा, आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो किसी भी ऑफिस या फिर किसी भी ग्रुप का, जिसमें टीम्स डिवाइडेड होती है, यू नो, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट काम दिए जाते हैं. सपोज एक ऑफिस में एक टीम है मैनेजमेंट की, एक टीम है कॉल हैंडलिंग की, तो जो टीम्स होती हैं जो पर्टिकुलर टास्क करती हैं उन्हें हम कहते हैं कोटरी. ओके ओके, ठीक है. नेक्स्ट वन वी हैव क्लीक. दिस इज क्लीक, इट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम इंटरेस्ट. ये आप कह सकते हो कि जो लास्ट वर्ड है कोटरी, उसका सिनोनिम है, क्योंकि इसका मीनिंग भी सेम ही होता है. दिस इज क्लीक. ओके ओके, द नेक्स्ट इज लगून. ओके, इसका मीनिंग होता है स्मॉल फ्रेश वाटर लेक नियर अ लार्जर लेक और रिवर. जैसे एक काफ़ी बड़ी नदी है, उसके साथ ही उसके पास ही कोई एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि छोटी सी है, तो उसे कहते हैं हम लगून. ओके, क्लीक एंड लगून. ओके, द नेक्स्ट वी हैव इंट्रीग. दिस इज इंट्रीग, इट मीन्स फैसिनेटिंग और अट्रैक्टिव, यू कैन से समथिंग विच आर सेंसेस लव टू फील. ठीक है, तो उसे कहते हैं इंट्रीग. फाइन. ओके, द नेक्स्ट वी हैव मलीफ्लियस. ठीक है, इसका मीनिंग होता है you know, there are certain things which are really pleasant to hear. So, those type of things are known as
मलीफ्लुअस. ओके, इंट्रीग एंड मलीफ्लुअस. ओके, द नेक्स्ट वी हैव लाइथ. ठीक है, इसे प्रोनाउंस करना है जैसे कि हम लाइव टेलीकास्ट बोलते हैं ना, तो वैसे ही बोलना है लाइथ. ओके, इट मीन्स टू बी स्लिम बट नॉट स्किनी. अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो पतले होते हैं, तो उनके लिए हम लाइथ यूज़ कर सकते हैं, बट एक्सट्रीम नहीं होने चाहिए. एक्सट्रीम पतले जब हो जाते हैं, यू नो, जब हड्डियाँ निगलने लग जाती है, तो उसे हम कहते हैं स्किनी, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है. तो जो पतला होता है, ठीक ठाक होता है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लाइथ. ओके ओके, द नेक्स्ट वी हैव रिक हैवक. ओके, इसे रेक नहीं बोलना है, दिस इज रिक हैवक. इट मीन्स टू कॉज डिस्ट्रक्शन. ठीक है, दिस इज रिक हैवक, लाइथ एंड रिक हैवक. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस लेसन. आई होप यू रियली लाइक दिस लेसन. एंड गाइज, प्लीज ट्राई टू लिंक दीज वर्ड्स विद द स्प्लिट वर्ड्स इन द ब्रैकेट, सो दैट यू कैन रिमेंबर देम ईजिली. काफ़ी हेल्प होगी, एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी. ठीक है, सो आई विल ट्राई टू मेक दीज वर्ड्स एज सिंपल एज कैन एज आई कैन फॉर यू. सो आई विल बी बैक विद अ न्यू लेसन इन विच आई विल बी कवरिंग सम मोर वर्ड्स. एंड टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय.